जय गुरुदेव। 5 दिसंबर सन 2002, ध्यान में ऊंची नीची बर्बाद जमीन, गांव की सड़ी गली गंदी बेतरतीब नालियों का मंजर दिखाई दिया। आदमी कहीं कोई दिखाई नहीं दिया और उस मंजर के सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे। तारीख 6 दिसंबर, 6 दिसंबर की दोपहर ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया, पर गुरु महाराज की असीम दया कृपा से सूरत के ऊपर चढ़ने की हरकत चालू हो गई, जो काफी देर तक रही, पर अभी शरीर से बाहर नहीं निकल सकी। उनकी दया होगी तभी, अपने करने से कुछ नहीं होता। शरीर में सूरत की हरकत 1.5 घंटे तक रही और फिर शांत। बाद में गुरु महाराज ने भजन में लीन कर दिया, अपने से लीन भी नहीं हुआ जाता, उनकी दया ही काम करती है, अपने आप तो भजन पर बैठा ही नहीं जाता। 6 तारीख की ही रात के 3 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अति से अति दया और कृपा से मेरी आंख, मेरी नींद अचानक खुल गई। मैं लेटा लेटा ही ध्यान करने लगा। ध्यान में गुरु महाराज ने करीब 4 कमरे दिखलाए। गुरु महाराज तो उस समय नहीं थे, पर जगाने वाले दिखाने वाले वही हैं। ये कमरे मेरे से 4-5 फुट के फासले पर थे। इनका अंदरूनी हिस्सा पूरा दिखाई दे रहा था। इन कमरों की सुंदरता अजीब से भी अजीब थी। कहने को कमरे, पर उनकी अजीब बनावट भी जो वर्णन से बाहर है। उनमें क्षण क्षण में अति से अति सुंदर सीन बदल रहे थे। अगर को स्तंभ मणि जो श्री कृष्ण जी के पास थी, या फिर अरबों खरबों डॉलर के हीरे और चमकदार मणियों की बात कहूं तो ये भी कुछ नहीं। यहां तक कि चांद और सूरज की रोशनी उन कमरों की रोशनी के सामने कुछ भी नहीं थी। इस प्रकार वे कमरे रोशन थे, चमक रहे थे और उनके भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। चंद मिनट तक मैं इन सब को देखता रहा, फिर अपने आप ही ये सब आलोप हो गए। काफी कोशिश की पर दिखाई नहीं दिए। मैं फिर वापस सो गया। धन्य धन्य है गुरु महाराज, हे परम प्रभु, आपकी लीला को आप ही जाने। मुझ निकृष्ट जीव पर आपकी कितनी दया हुई, जो वर्णन से बाहर है। हे महाप्रभु, मैं सोता हूँ और आप हम पर दया करने के लिए जागते हैं। हे दाता, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आपकी महिमा को आप ही जाने। और हे दया के सागर, नीच से नीच, निकृष्ट से भी निकृष्ट, अधम से भी अधम जीवों के लिए कष्ट उठाने वाले और उनको पार करने वाले, उनको पार करने की चिंता में रात दिन व्यस्त रहने वाले आपके चरण कमलों में इस नीच निकृष्ट जीव का कोटिन कोटिन सजदा स्वीकार हो। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। मेरा कोई नहीं सहारा, तेरे दर पर है दामन पसारा। गुरु जी की महिमा परम पार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं इस दया के काबिल कहाँ। हे भव सागर पार कराने वाले, हे दाता, मैं इस काबिल नहीं था। मुझ जैसे निकृष्ट जीव पर क्षण क्षण निगाह रखते हैं। हे दाता, आप मुझ जैसे निकृष्ट जीव पर किस तरह से दया करते हैं। हे दाता, हे सच्चे पिता, आपके चरण कमलों में मेरा सजदा कबूल करो। जय गुरुदेव।